तो आ गया, तो कैसे हो? तो फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ऐसा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा एंड कैलकुलेशन करने वाले हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों हमारा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का है। ये जो है दोस्तों हमारा 90 वोल्ट से लेकर के एंड 300 वोल्ट तक का ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा एंड कैलकुलेशन बताई जाएगी दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि 15 KVA का आपको यहाँ पर पूरा जानकारी दिया जाए। 15 KVA ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा एंड 15 KVA की कैलकुलेशन आपको यहां पर कंप्लीट तरीके से सिखाई जाएगी। दोस्तों यहां पर वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, यहां पर ऐसे करके ही देखते रहना दोस्तों। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वीडियो चलाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जो है, सबसे पहले तो हम अपना ट्रांसफार्मर जो बनाने वाले हैं 15 KVA का, उसको पहले तो यहाँ पर हम डिज़ाइन कर लेते हैं, और उसके बाद ही हम यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करना सिखाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पर जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कॉपर एंड एल्युमिनियम का, ये दोनों का ही कैलकुलेशन है। एंड अगर हम बात करें, अभी जो हम बता रहे हैं ऑटोमेटिक में है, अगर आपको यह वहीं पर ऑटो कट में बनाना हुआ या फिर मैनुअल में बनाना हुआ यही ट्रांसफार्मर 15 KVA का, तो कैसे करके बनाएंगे वो भी मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा दोस्तों। पहले कि यहाँ पर हम ऑटोमेटिक का क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरा ट्रांसफार्मर जो था वो तो डिज़ाइन हो चुका है। चलिए अब यहाँ पर हम जानते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों ये वाला जो लूप है, ये है हमारा न्यूट्रल वाला लूप, जो कि इसको हम बोलते हैं ज़ीरो वाला लूप। दोस्तों हमारी जो पहली लूप है वो है हमारी 137 वोल्ट की, एंड जो दूसरी लूप है दोस्तों वो है हमारी 200 वोल्ट की दोस्तों। और जो कि हम बात करें तीसरी वाली लूप की, तो तीसरी वाली लूप है हमारी 240 वोल्ट की। एंड अगर हम भाई बात करें लास्ट वाली लूप की, तो वही हमारी है 290 वोल्ट की। तो यहाँ पर ये हमारा सिंगल फेस में डिज़ाइन हो गया है। अब दोस्तों ये है हमारी 0 से 24 वोल्ट की सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब कि हम अपने माइक्रो कंट्रोलर सर्किट में यही सप्लाई देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइन हमने कर दिया है। अब यहाँ पर बाकी चीज़ों को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसका डिफरेंस को पहले निकालना है दोस्तों। डिफरेंस कैसे करके निकालेंगे वो यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि 0 से 137, तो इसका मतलब ये हुआ भैया 0 से 137, तो यहाँ पर 137 वोल्ट का ही यहाँ पर पूरा का पूरा डिफरेंस है 0 से 137 तक का। अगर हम वही बात करें दोस्तों कि हमारा जो डिफरेंस यहाँ से और यहाँ तक का कितना है, तो यहाँ से और यहाँ तक का हमारा डिफरेंस हम देख लेते हैं 200, एंड माइनस करेंगे हम 137 को, तो यहाँ पर हमारा 63 वोल्ट का डिफरेंस आया है। यहाँ पर हमारा 63 वोल्ट का डिफरेंस क्लियर हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 240 एंड 200 के बीच में, तो वैसे ही करेंगे 240 माइनस और हम 200 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आया है 40 वोल्ट का डिफरेंस दोस्तों। अब यहाँ पर ये 40 वोल्ट हमारा क्लियर हो गया है। वैसे ही हमको सेम ऐसे ही करना है कि हम क्या करेंगे 290 एंड 240 के बीच में, तो हम क्या करेंगे 290 एंड हम माइनस करेंगे 240 को दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आया है 50 वोल्टेज का डिफरेंस। अब यहाँ पर दोस्तों ये वोल्टेज डिफरेंस जो निकालना है, इसी के हिसाब से हमारा सारा का सारा टर्न्स यहाँ पर निकलेगा दोस्तों। अब दोस्तों टर्न्स अब हमको कैसे करके निकालना है वो यहाँ पर अब अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानते ये हैं कि इसके लिए हमें कोर एंड हमको बॉबिन का ज़रूरत होगा। इसमें कोर कौन सा यूज होगा एंड इसमें हमारा बॉबिन साइज कौन सा यूज होगा दोस्तों। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं पहले यहाँ पर क्लियर कर दूँ कुछ चीज़ें, कि जैसे कि इसमें जो हमारा कोर यूज होगा वो यहाँ पर कोर ही कौन सा यूज होने वाला है, एंड जो इसमें बॉबिन साइज जो यूज होगा वो यहाँ पर कौन सा यूज होने वाला है। तो यहाँ पर जो कोर हम जो यूज करेंगे दोस्तों, वो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं 8B का कोर, मतलब कि 8B की कोर रहेगी दोस्तों। वही बॉबिन साइज की बात करें तो यहाँ पर 6 इंच का हमारा बॉबिन साइज रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये साइज लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, कि 8B कोर का यहाँ से यहाँ तक का साइज कितना है, तो वो हमको इंच में लेना है। तो यहाँ पर जो साइज है इसका वो है 3 इंच का साइज। यहाँ पर जो कोर का जो बीच वाला पत्ती का साइज है वो 3 इंच है। एंड अगर हम भाई बात करें बॉबिन की, तो यहाँ पर बॉबिन का साइज हमारा क्लियर हो रखा है पहले से ही 6 इंच का। तो यहाँ पर
हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको और 6 को, तो यहाँ पर जो हमारा टोटल आया वो आया है 18, मतलब कि 18 यहाँ पर हमारा टोटल आया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि 7.5 का ये फार्मूला है और इसको हम करेंगे भाग 18 को। तो यहाँ पर जो हम भाग करेंगे 18 को, तो यहाँ पर इसका टोटल अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पर 7.5 एंड भाग इसको करेंगे 18 को, तो यहाँ पर जो हमारा TPB जो निकल कर आया है, जो ये नंबर है, ये हमारा TPB ये है 0.416। अब यहाँ पर ये TPB आया है और इस TPB के हिसाब से अब हमारा टांस यहाँ पर क्लियर होगा। तो क्या है हमारा 0.416, हमको इतना ही डिजिट लेना है और ज़्यादा नहीं लेना। तो दोस्तों अब हम निकालते हैं इसके टर्म्स के, अब यहाँ पर टर्म्स हमको आ रहा है कितने आने वाले हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे अपनी हम TPB के हिसाब से। तो यहाँ पर कैलकुलेटर को हम अपना सेट कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं इसको। अब हम निकालते हैं इसके टर्न, तो क्या करेंगे 0.416 ये लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम किस में, 137 वोल्टेज में। तो यहाँ पर 137 में हम देखें तो यहाँ पर हमारे जो टर्न्स आए हैं वो आए हैं 56 टर्न, मतलब कि 56 टर्न यहाँ पर हमारा टोटल टर्न आया है पहली वाली लूप में। अब हमको जो दूसरा वाला जो लूप में जो टर्न डालना है, अब यहाँ पर देखते हैं तो हमको क्या करना है 0.416 लेना है, इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 63 वोल्ट में। तो यहाँ पर जो टर्न आए हैं वो आए हमारे 26 टर्न। अब यहाँ पर जो है हमारे 26 टर्न आए हैं और 26 टर्न ही हमको डालना होगा। अब यहाँ पर हम तीसरी वाली लूप में देख लेते हैं टर्न कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमको वैसे ही करना है 0.416 एंड हमको 40 वोल्टेज में इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 40 वोल्टेज यानी यहाँ पर जो हमारे टर्न आए वो आए हैं 16 टन दोस्तों। तो यहाँ पर 16 टन कंप्लीट हुए। अब हम लास्ट वाली लूप में और निकाल लेते हैं, तो वही करना है सेम 0.416 मल्टीप्लाई 50 वोल्ट। तो यहाँ पर जो टन आए हैं वो आए हैं 20 टन, मतलब कि यहाँ पर हम 21 टन डाल देते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग तो कंप्लीट हुआ, अब सेकेंडरी में भी हम टर्न्स अपना निकाल लेते हैं 24 वोल्ट के लिए। वैसे ही सेम करना है और 24 वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर टर्न आया हमारा 9 टन, मतलब कि 9 टन यहाँ पर हम डालेंगे तो हमारा ये 24 वोल्ट का जो है सप्लाई निकल आएगा। अगर आपको डबल सप्लाई निकालना है तो आप डबल टर्न डाल दीजिए तो आपका डबल सप्लाई निकल आएगा। दोस्तों यहाँ पर जो ये डाटा तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो केवल टर्न्स ही निकाले गए हैं। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं अपना वायर गेज का, क्योंकि वायर गेज ही बहुत यहाँ पर मायने रखता है दोस्तों। अब यहाँ पर कोर नंबर, बॉबिन साइज, टर्न्स, डिफरेंस, वोल्टेज, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पर वायर गेज हमको कौन सा यूज करना है, तो दोस्तों हमको जो यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वायर गेज जो यूज करना है वो हमको यूज करना है 8 नंबर का, मतलब कि जो हम प्राइमरी वाइंडिंग में जो अपना वायर गेज जो यहाँ पर यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 8 नंबर का। और यहाँ पर अगर हम भाई बात करें अपनी सेकेंडरी में, तो हम सेकेंडरी में यूज करेंगे 20 नंबर का। तो दोस्तों यहाँ पर ये डाटा एंड कैलकुलेशन 15 KVA की 90V 300 ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का कंप्लीट कर दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर आपने अच्छे से सीखा होगा, अच्छे से समझा भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जानकारी कंप्लीट कर दिया गया है। दोस्तों ये वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल से मेरे नए हो या पुराने अगर ऐसे ही सीखना चाहते हो मेरी चैनल की मदद से एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी अधूरा रह गया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।